हमने सोचा कि इसकी जो कुंडलिनी है या शरीर के अंदर जो स्थित ऊर्जा है, प्राण की शक्ति है, उसकी जो जड़ है, तहकीकात करते हुए उसकी गहराई तक उतरा जाए, इसके लिए हमने प्रयास किया, हर रोज काम किया। अभी इतने चट्टे हैं, टोटल पेज पूछोगे तो मुश्किल से 30 पन्ने हैं। उस 30 पन्नों को पूरा करने के लिए हम विगत 6-7 महीने से सब काम करते हुए, मैं चोटीपुरा गुरुकुल की बहनों को भी बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत उन्होंने परिश्रम किया, डॉक्टर राजेश है, अभी डॉक्टर अमिता है आई है, और बाकी कई लोगों का वहां प्रत्यक्ष परोक्ष योगदान रहा, हम लगे रहे। तो जितना काम करते रहे, क्योंकि मेरा विषय नहीं है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम लोगों ने वैदिक की जो प्राचीन जो मॉडर्न शरीर विज्ञान के हिसाब से हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, पर उसको भी हमने अपने हिसाब से पढ़ने का प्रयास किया। तो पढ़ते 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 जिन गहराइयों में हम पहुंचे, उसका स्वरूप है यह यौगिक शरीर विज्ञान। बाकी प्राणायाम के ऊपर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, दुनिया में पहले व्यक्ति श्रद्धेय स्वामी जी हैं। यदि आप प्राचीन ग्रंथों में जो हठ प्रदीपिका है या दूसरे जो घरण संहिता आदि ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में आप देखेंगे तो वहां पर आंशिक रूप से आसनों के लाभ हैं, प्राणायाम के लाभ भी इतस्तत थोड़े थोड़े कहीं मिल सकता है, परंतु इतने बड़े व्यापक स्थिति पर प्राणायामों के लाभों के लिए कि इस तरह से प्राणायाम करने से इन इन रोगों में लाभ हो सकता है, इसको इतने व्यापक स्वरूप में कहने वाले सबसे पहले श्रद्धेय स्वामी जी थे। उसके बाद में जब लोगों ने काम शुरू किया रिसर्च के नाम पर, तो जो स्वामी जी ने कहा था उसी बात को ठप्पा लगाने का काम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर इतना ही कार्य हुआ, और जो बात कही गई थी वो अक्षरशः सही थी, और उससे आगे भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, उसको सिद्ध करने के लिए दुनिया में अभी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। तो इधर से रिसर्च से प्रमाणिक हो गई चीजें, उधर से स्वामी जी ने कही दी बातें, शास्त्रों में कहीं लिखी थी नहीं, तो लोगों ने कहा कि रेफरेंस। अच्छा, मैं कहता हूं आपसे, जब योग की बात हो तो रेफरेंस शास्त्रीय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ कुछ होता नहीं है इसको लेकर के, कभी दिमाग में बात नहीं आती है? हमारे दिमाग में आती है। जब ऋषियों की बात है, वो लोग ठीक है, योग के लिए उन्होंने थोड़ा दुनिया में पहुंचाने के लिए रिसर्च के लिए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। पश्चिमी देश के लोग या अपने देश में भी जो थोड़े डॉक्टर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर क्या उसका स्वरूप शास्त्रीय स्वरूप नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ये मेरी आत्मा कहती थी। इसलिए हमने उन सारे लाभों को जो साइंटिफिक जितने भी रिसर्चेज हुए हैं या श्रद्धेय स्वामी जी ने जो पुस्तक के रूप में लिखा था या इतस्तत जहां भी बिखरी हुई जो चीजें थी उनको हमने संग्रहित करके उन सारे लाभों को शास्त्रीय शैली में श्लोकबद्ध ढंग से श्लोक बना करके पूरे प्रामाणिक की ढंग से उसको लिखने का प्रयास किया। यह था मित्र की मित्रता में। शुरू तो बात हुई थी कपाल भांति से, कपाल भांति को तो हमने वो पूरा पूरा योग की भांति बनानी शुरू कर दी। तो वो लाभों को भी लिखा गया, चक्रों के विषय में चक्रों को भी लिखा गया। वो पुस्तक मैं बता देता हूं, हालांकि श्रद्धेय स्वामी जी की शैली यह है कार्य करने की, पहले बताते हैं फिर उसको पूरा करते हैं, ऐसा ही है, और हम करते हैं फिर बताते हैं कि मैंने ये कर लिया है। तो पर अभी एक चीज बता देता हूं, क्योंकि मित्र की मित्रता की बात मैंने बताई, तो मैं ये भी बता दूं कि महाराज जी के संन्यास दिवस पर ये मेरा लक्ष्य है कि वह पुस्तक प्रकाशित होकर के आप सब महानुभाव देवियां और गुरुदेव और सभी देवी देवताओं के हाथों में हम पहुंचाएंगे। तो अभी काम बाकी है, कुछ काम हो गया है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, दूसरी बात यह हो गई। तीसरी बात फिर हम लगे कि जब मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, वहां पर ना कोई चक्र है ना कोई चक्री है, हां ना कोई पंच प्राण है ना कोई पंचकोश है, कोई कोश खास नहीं गुरुजी। अब जब उधर जाते हैं तो उधर फिर वो सारी चीजें दिखती थी, तो हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए। और इसको किस तरह से, यदि आप गहराई में उतरोगे
ये भी आने वाला समय बताएगा। मुझको इस बात के लिए बड़ा एक शकुन है, मैं अपने आप में बहुत तृप्ति महसूस करता हूं कि ऋषियों ने जो अनुसंधान किया था, जो हमारे शास्त्रों में जिन बातों को कहा गया है, वो सारी बातें अक्षर से सही हैं और वो कहीं भाई आधुनिक शरीर विज्ञान से वो अलग नहीं होती है, ना वो कोई आपस में कोई चीज जो है ना कहीं पर कोई संघर्ष की चीज होती है, वो पूरक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आधुनिक शरीर विज्ञान ने शरीर पर ही ज्यादा फोकस किया, हमारे ऋषियों ने शरीर से परे भी जो चीजें हैं उनको भी समझने का प्रयास किया, यही फर्क है। जो दृष्ट जो चीजें हैं, जो दृश्य हैं, दृश्य जगत में जो चीजें हैं, पर हुआ क्या, ऋषियों ने बहुत गहराई से या मैं यूं कहूं कि बड़े व्याख्यात्मक रूप से कई चीजों का वर्णन नहीं किया। कहीं कहीं पर कुछ कुछ को उन्होंने हमको थोड़ा जानने के लिए थोड़ा सा अपनी एक स्थिति पर ले जाकर के छोड़ा। और आधुनिक विज्ञानियों ने, क्योंकि निश्चित रूप से शरीर विज्ञान में वो बात होती है, तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स कैसे शरीर में काम करता है, यहां से शुरू होता है मॉडर्न साइंस, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे बॉडी में कैसे 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 काम करते हैं। पर मैं तुमसे पूछता हूं, न्यूरॉन्स के अंदर काम करने की शक्ति कहां से आई, किसके बापूजी ने भेजा वहां से, यह समझने की बात है भाई। न्यूरॉन्स तो बाद में, वो नर्वस सिस्टम तो आदमी मर गया तो भी तो है, तो शक्ति कहां से आई, वही शक्ति वो आत्मा के द्वारा प्राण शक्ति के रूप में वो शरीर के अंदर वो क्रियाशीलता पैदा करती है, लाती है, या क्रिया कार्य शुरू होता है उसके द्वारा, इतनी बात समझने की है। इसी तरह से स्नायु तंत्र के द्वारा श्वास का कंट्रोल, ये मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारे किस तरह से ऐच्छिक और अनैच्छिक हमारे जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा हम श्वसन को कंट्रोल करते हैं। परंतु योग क्या कहता है, योग कहता है कि किस तरह से श्वसन सिस्टम के द्वारा हम अपने श्वसन तंत्र को या पूरे शरीरगत जो नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी वो तो कहते हैं हमारे शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है जो भी है, उसके द्वारा कैसे श्वसन का कंट्रोल होता है, श्वास कैसे जाता है, लंग्स में कैसे भरता है, फेफड़ों में कैसे जाता है, फिर हृदय का कैसे वो रक्त को शोधन करता हुआ, रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन की लेवल का ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसमें से जो है ना ऑक्सीजन पहुंच करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, वो अलग अलग ग्लैंड्स में, हार्मोनल ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम जहां भी पूरे शरीर में जाकर के कैसे प्रभाव डालता है, यह पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर रिसर्च होता है। परंतु अभी मैंने इसको ढूंढने का प्रयास किया, अभी इस विषय रिसर्च ही नहीं हुआ है, थोड़े इक्का दुक्का लेख मिलता है कि हमारा जो हमने लिया हुआ श्वास है वो नर्वस सिस्टम पर कैसे प्रभाव डालता है, पूरे सिस्टम पर, यानी कि श्वास के द्वारा, प्राण के द्वारा कैसे वो हमारा श्वसन जो तंत्र है, सारे जो क्रियाएं हैं कैसे कंट्रोल में आती हैं। और इसको मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूं, इसमें एक बहुत बड़ा गैप था, तो गैप होने की वजह से आंशिक रूप से वो हाथी और अंधों की कहानी कई जगह पर हुई, संभावनाएं तलाशी गई, अंदाजा लगाया गया, किसी को स्वीकार किया गया, किसी को अस्वीकार किया गया, ऐसी स्थितियां आई, बहुत सारे प्रश्न भी उठे, पर यह कोई सही स्थिति नहीं थी। फिर हमने सोचा कि इसके ऊपर गंभीरता से काम करना चाहिए, विषय बहुत गंभीर है,
फिर हमने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद में जो हमने पाया, सबसे बड़ी बात यह है, भौतिक रूप से आप देखेंगे, क्योंकि मैं भी ऐसा मानता हूं, यदि आपको मोक्ष चाहिए या तुम संसार को समझना चाहते हो या संसार में कुछ करना चाहते हो, मोटे मोटे तौर पर तुमको यह शरीर क्या है, इस शरीर के अंदर उठती हुई भावनाएं क्या हैं, या हमारी रुचि और अरुचि क्या है, या इच्छा अनिच्छा क्या है, राग द्वेष आदि क्या है, या यह स्थूल जो भौतिक संसार है वो क्या है, जो भी मोटे मोटे तौर पर इन विषयों में जो भी आपके मन में शंका है, यदि उसका समाधान नहीं होगा तो आप कम से कम यह कह सकता हूं, या तो आपको बाबा वाक्यम प्रमाणम करना पड़ेगा कि लोग कह देंगे कि हाँ इसको पूज, इसको धोक, इसको जा, इसको कर, या तो वैसे ही चलना होगा जैसे सारी दुनिया चल रही है। यानी बात सब भगवान की करते हैं, परमात्मा की करते हैं, उस रास्ते पर चलने की और उसमें जीने की बात करते हैं। पर एक बात मैं बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा घोटाला भी भगवान के रास्ते के नाम पर है। जितनी हिंसाएं हैं, जितनी हत्याएं हैं, जितने भी अनाचार दुराचार, जितने भी अनर्थ और अनिष्ट इस धरती पे हो रहा है, वो ईश्वर के परमात्मा के नाम पर लोग कर रहे हैं। तो क्या परमात्मा ऐसा ही कराता है क्या? वो नहीं कराता है। उसके नाम पर जो हमारी अज्ञानता है, हमारी मूढ़ता है, हमारी मूर्खता है, वो कराती है। तो उनको कौन समझाए? वह इस सृष्टि को, प्रकृति को, सृष्टि परंपरा को, प्रकृति के रहस्यों को समझते, वो आत्मा परमात्मा के तत्व को, उसके स्वरूप को समझते होते तो शायद इस दुनिया से जो सबसे बड़ा भेद है वो समाप्त हो गया होता। जितने ये मत पंथ संप्रदाय बढ़ेंगे, जितने ये परमात्मा को, सृष्टि को, ये व्यवस्था को लेकर के भ्रम की स्थिति बनेगी, उतने ही दुनिया अपने अपने झुंड बना करके उन झुंड को, उन भेड़ों को हांकने की तरह से काम करेगी। और एक कटु सत्य यह है, जो ऐसा करने का जो प्रयास कर रहे होते हैं, या तो वो स्वयं अज्ञानी हैं, या वो स्वयं इतने स्याणे हैं कि जानते हैं कि बाकी सब मूर्ख हैं, इनको किधर भी चला दो उधर चलेंगे। तो हमको उन सब चीजों से बाहर निकलना है, उनको हमको कोई नया झुंड नहीं बनाना है। तो उसके लिए हम ऋषि दयानंद के धन्यवादी हैं कि उन्होंने उस वैदिक की परंपरा को, उस शाश्वत सत्य को, सार्वभौमिक सिद्धांत को दुनिया में पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। सौभाग्यशाली हम उस परंपरा में हैं। इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं, हम सार्वभौमिक सिद्धांत की बात करते हैं, वो सबके लिए स्वीकार्य है, वही धर्म का मूल तत्व है, वही मानवीय संवेदनाओं का आधार है, वही यह लौकिक और पारलौकिक कल्याण कराने का वह निमित्त है, अपने जीवन को सुधारने का और दूसरों को ठीक करने का भी वही साधन है। तो हम उसके लिए प्रयासरत रहे। तो कार्य करते करते हमको लगा कि इस भ्रम को भी तोड़ने के लिए यह साधन के रूप में यह एक चीज खड़ी हो सकती है। तो हमने प्रयास किया। आप सब जानते हैं बेसिक चीजें जहां से शुरू होती है दुनिया, जैसे मैं देख रहा था यूनानी में, इस्लाम में पंच तत्व नहीं होते, वो चार तत्व होते हैं गुरुजी। वो आकाश को तत्व नहीं मानते, जो पंच महाभूत है ना, ये मूल तत्व जिसको कहते हैं, कहते चार तत्व होते हैं। भाई आकाश तो सब चीज में है, पृथ्वी में भी आकाश है, अग्नि में भी आकाश है, तो सबके अंदर ही घुसा हुआ है। उन्होंने कहा भाई जो मिला हुआ है वो तो है, और जहां आकाश है वहां कुछ ना कुछ है, तो कोई बात नहीं उसको। और गहराई में वो एक छोटी सी बात हो गई, वो मना तो नहीं है ना। वो कहते चार है, हमने कहा पांच है, तो विरोध कहां हुआ? विरोध तो नहीं हुआ। इसी तरह से हम वात तित्कफ की बात करते हैं, यूनानी के अंदर वात तित्कफ नहीं होता, दूसरा होता है उसमें, इसी तरह तिब्बतियन में दूसरी चीज होती है, पर बेसिक ढंग से ढूंढो तो लग उसी तरह से मिलती जुलती चीजें होती हैं।
तो वो विरोध नहीं है, वो क्या है कि वो चीज को समझाने का ढंग है, अभिव्यक्ति के तरीके, अभिव्यक्ति के तरीके हैं। हाँ, उसमें से कुछ ज्यादा सटीक हैं या ज्यादा सरल हैं, ज्यादा समझ में आने वाली चीजें हैं, कहीं से थोड़ी कम समझ में आती है, ज्यादा सटीक नहीं है या पूर्णता में कुछ शेष है, यह हो सकता है। तो हमने वहीं से शुरू किया कि इसको समझाने के लिए हम कहां से शुरू करें, ये ऐसे ही नहीं बना, ये जो स्वरूप बना है। और दूसरी बात, अभी एक श्रद्धेय स्वामी जी, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं, हम उन कोटि में नहीं आते, तो इसलिए हम कभी कभी वैसे बैठ जाते हैं, अलग बात है। शुरू करने के लिए हमने यहां से प्रारंभ किया, जो हमारे जो पंच महाभूत हैं, सृष्टि की उत्पत्ति तो वहीं से हुई है भाई, दर्शन तो तुम सारे पढ़ चुके हो, तो एक बेसिक सी चीज है कि पंच महाभूतों से सब कुछ बना। ऋषियों ने इसको और बिल्कुल सरल समझाने के लिए, जैसे हमारे जैसों के लिए कह दिया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पहले तुमको सारी दुनिया नहीं समझ में आती, बोले एक आदमी की शक्ल देख लो, उसको देख लो, वही सब कुछ है। ये एक सामान्य सी बात है, पर ये बहुत रहस्य की बात है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे में इसमें बहुत रहस्य, हम वहां तक पहुंचेंगे। तो ये पंच महाभूत जो है, पांच जो तत्व है, बता देता हूं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ठीक है। जो आत्मा है वह स्वतंत्र है, और प्रत्येक आत्मा अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, किसी का कट करके टुकड़े टुकड़े होकर के कहीं नहीं बने कि फिर चटाई है, फिर जोड़ दो तो एक हो जाएगी, सिम दो तो और काट दो तो रुमाल बन जाएंगे पैजामे का, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, पंच महाभूत तो मुख्य हो गए, उसके बाद में हम सब जानते हैं कि पंच महाभूत से ये ढांचा बन गया। ढांचा बनने के बाद इस ढांचे में क्या है, वह मोटे तौर से देखें तो रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि आदि जो धातुएं हैं, उसको समझने के लिए ऋषियों ने वात, पित्त, कफ तीन दोष बना दिए, और उसका जो पोषण होता है, जो हम लेते हैं भाई, प्राण से पोषण तो होता ही है, साथ साथ में षड रस हो गए, आहार आदि जो हैं, आहार के माध्यम से हम छह रस लेते हैं ना, षड रस तो पता है ना सबको, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है जी। इसके बाद में क्या बनेगा, रक्त बनेगा, मेद बनेगा, मज्जा बनेगा, वात, पित्त, कफ सब बन जाएंगे, और इस सब इससे क्या होगा, धारण होगा। इसके बाद में, उसके बाद नस, नाड़ियां, धमनियां, श्रोतस, ये वो जो भी जाल जंजाल जो भी दिखेगा, ढांचा सब दिखाई देता है उसके अंदर, इससे शरीर बना। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है। तो पंच कर्म इंद्रियां हैं, आपको पता है पांच कौन कौन से हैं, ठीक है जी, और पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, उसको भी सब जानते ही हो। ये पंच तत्वों से हमारा ये ऐसा कैसे बन जाता है, पेड़ पौधों का दूसरा कैसे बन जाता वो है? अभी गुरुजी अभी पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में बताऊंगा वो। तो पंच ज्ञानेन्द्रियां हो गई, और इन ज्ञानेन्द्रियों के पांच विषय हैं, ये भी आपने पढ़ ही लिया, ये दर्शन में भी है, आयुर्वेद में भी है। जो ज्ञानेन्द्रिय भी पंच तत्वों से बनी, कर्मेंद्रियां भी, फिर अलग अलग काम कैसे करती है, करेंगे अभी, यही तो प्रश्न आते हैं इनके मन में आचार्य जी की, ये पंच तत्वों से ज्ञानेन्द्रियां बनी, उसके अधिष्ठान पंच तत्वों से कर्मेंद्रियां बनी, तो ये दोनों अलग अलग काम क्यों करते हैं? जो इनके पांच अधिष्ठान है, ये आपको पता है कि किस तरह से ये जो ज्ञानेन्द्रिय है अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, इसी तरह से जो पांच जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का पंच जो इंद्रिय हैं उनके साथ संबंध, जैसे कि जो श्रोत्र इंद्रिय है उसका आकाश से, स्पर्श इंद्रिय का वायु से, चक्षु का अग्नि से, रस इंद्रिय का जल से, घ्राण इंद्रिय का पृथ्वी से, तो उसका संबंध हो गया। इन सारी चीजों का संबंध को थोड़ा सा सोचो सामान्य रूप से। पिछली बार बोल रहे थे ना, अगली बार बोलेंगे तो प्रश्न करेंगे, तो जैसे आंख कहाँ रहती है, तो श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, स्पर्श इंद्रिय कहाँ रहती है शरीर में? शरीर में जहां है
जो बाहर दिखाई दे रहे हैं वो उसके गोलक हैं, उसके अंदर स्थित जो शक्ति है उस शक्ति के माध्यम से वो काम करती हैं, और हर हर शक्ति का जो केंद्र है जहाँ से संचालन होता है वो केंद्र अलग है, जहाँ से कार्य होता है वह स्थूल जो गोलक बने हुए हैं वहीं से वो सारे अंग कार्य करते हैं। अंदर की शक्ति कितनी शक्तिशाली हो, आंख निकाल दो तो आदमी कभी देखेगा नहीं, और आंख हो और पीछे से जहां से जो शक्ति का जहां से ऊर्जा की जो सप्लाई होती है जो केंद्र है यदि वहां से डैमेज है तो आंखें तो ऐसी हैं पर वो दिखाई नहीं दे सकती, ये दोनों से उसका संबंध है। तो आंख ये तो नहीं बताया ना अपना आंख, नेत्र इंद्रिय रहती कहां है? नेत्र इंद्रिय मैंने कहा ना, नेत्र इंद्रिय के अंदर दो तरह से संबंध होता है, जो गोलक है गोलक के अंदर भी एक शक्ति होती है जो देखने के लिए काम करती है। दो पक्ष हैं ना दर्जी, एक आधुनिक विज्ञान और एक शास्त्रीय विज्ञान। शास्त्रीय विज्ञान में भी मैं बता रहा हूँ और आधुनिक भी यही है, इसमें कोई शास्त्र में और आधुनिक विज्ञान में कतई भी 1% भी फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि वो जो इंद्रियों के जो अंदर जो आने वाली शक्ति का जहां से पीछे से जो संप्रेषण होता है उन शक्ति का जो उत्पत्ति है वो संघात से या संयोग से मॉडर्न साइंस मानता है, हम मानते हैं वो प्राणों के द्वारा है, प्राणों के द्वारा जो आत्मा आत्मीय जो आत्मा की शक्ति है उसके द्वारा प्राण के अंदर शक्ति आती है, प्राण की क्रियाशीलता से सारा शरीर जो है क्रियाशील होता है, ये हमारा वैदिक सिद्धांत या हमारी प्राचीन परंपरा मानती है। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी कार्यों को लेकर के कैसे आता है कहां से आता है कौन करता है कोई फर्क नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था स्थूल शरीरगत जो देह के तत्व के विषय में, फिर इसी तरह से अलग अलग बुद्धि से अलग अलग कार्य होता है, कार्य होने के बाद में हम आते हैं मन के विषय में, क्योंकि मन के विषय में यह हमारे स्थूल इंद्रियों से और सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के बाद में मन को समझना, क्योंकि जैसे मैंने कहा मन को ये मानते हैं संकल्प वो विकल्प मूर्छा जड़ता मनमिति पंच गुणाम मन, ये ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में है कि जो संकल्प विकल्प आदि जो गुण दोष हैं ये मन के लक्षण माने गए हैं, मन के पहचान मन कैसा होता है, इसीलिए कहा कि जितने भी शरीर में इंद्रियां करती काम करती हैं वो मन के सहयोग से करती हैं, इसलिए मन को इंद्रियों का राजा भी कहा गया है। मैंने पिछली बार आपको कहा था ये वैदिक सिद्धांत में, अब जो समझने की बात है महाराज जी जो बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लेना, क्योंकि मन को लेकर के एक निश्चित सिद्धांत वैदिक अवधारणा में मुझे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जैसे स्वामी आत्मानंद जी जैसे बहुत प्रकांड वैदिक विद्वान थे उन्होंने भी मन का स्थान दो जगह पर माना, उन्होंने कहा कि एक मन हृदय में रहता है एक मन मस्तिष्क में रहता है, तो कई सारे लोग कहते हैं कि मन का स्थान हृदय में है, कई कहते हैं मन का स्थान मस्तिष्क में है, मन का स्थान कहाँ है बताओगे जरा तुम लोग, मन रहता कहाँ है, कहाँ रहता है मन बताओ, हाँ वेद प्रमाण ही है वे। और वो हृदय कार्य कहाँ करता है, पूरे शरीर में करता है। मैंने इतना सा समझ लेना, एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है इसमें सिंपल सी कि मन का जो मूल स्थान है वो हृदय है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था जब कोई भावना की बात आती है कहते हैं ना दिल भर आया, या कभी कोई मन को अचानक अच्छा ना लगने की कोई चीज ऐसी आ जाती है हमको अच्छा नहीं लगता है, या हमारी संवेदनाएं भावनाएं आहत होती हैं, ये समझने की बात है, तो जो उसका स्थान है वह हृदय है, परंतु उसका जो कार्य का संचालन है यहां से नहीं होता है, कार्य का संचालन यहां से होता है, ये समझने की बात है, रहता हृदय में है, कार्य का संचालन यहां से करता है, और इसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण देह है। बस मन को समझने के लिए इतनी सी बात है समझने की, रहता दिल में है करता दिमाग से है और प्रभाव सारे शरीर में पड़ता है, ये मन है।